नमस्ते मैडम। नमस्ते। वो आपका पार्सल आया था? हाँ, थैंक यू। वो मैडम आपसे एक हेल्प चाहिए थी। बताओ। वो मैडम दरअसल कुछ पैसे चाहिए। पैसे चाहिए? कितने पैसे चाहिए? यही कुछ तकरीबन 1000 रुपए। 1000 रुपए? वैसे क्यों चाहिए तुम्हें 1000 रुपए? वो मैडम क्या है ना, घर का भाड़ा देना है और मैं आपको ना लौटा दूंगा। अभी मेरी सैलरी नहीं आई ना, इसलिए थोड़ी दिक्कत हो रही है। मैं आपको लौटा दूंगा मैम। ठीक है, तुम यही रुको, मैं लेकर आती हूँ। ये लो, ये ना पूरे 1000 रुपए। धन्यवाद मैडम। मैडम मैं आपके पैसे ना हफ्ते भर में वापस कर दूंगा मैडम। ठीक है। अरे जसमीत, मैंने वो कबर्ड के ऊपर पैसे रखे हुए थे, तुमने वो पैसे देखे क्या? अच्छा, वो पैसे तो मैंने सिक्योरिटी गार्ड को दे दिए, उसको जरूरत थी कुछ। क्या, पूरे 2500 रुपए तुमने सिक्योरिटी गार्ड को दे दिए? तुमने गिने भी नहीं वो पैसे। अरे 2500 कहाँ, वो पूरे 1000 रुपए तो थे। यार जसमीत, तुम पागल हो क्या? मुझे ये बताओ, थोड़ा कॉमन सेंस तो होना चाहिए तुम्हारे अंदर। हम अगर किसी को पैसे देते हैं ना, तो पहले पैसे गिनते हैं। पूरे 2500 रुपए थे, अब बताओ तुमने सिक्योरिटी गार्ड को 2500 रुपए दे दिए। नहीं, वो पैसे तो मैंने नहीं गिने थे। अरे यार, तुम कौन से जमाने में जी रही हो, मुझे ये बताओ जरा। तुम्हें पता भी है, ऐसे लोग ना पैसे वापस नहीं करते हैं। जब पैसे देने का टाइम आता है ना, तो कुछ ना कुछ बहाना मार लेते हैं, समझी तुम? वो देखना, तुम पैसे देगा ही नहीं वापस, और जो तुमने उसे 1000 रुपए दिए ना वो भी नहीं देगा, और जो उसे एक्स्ट्रा 1500 रुपए चले गए वो भी नहीं देगा, देख लेना तुम। अरे क्यों ओवरथिंक कर रहे हो, कोई बात नहीं, सिक्योरिटी गार्ड ही तो था, बाद में वापस कर जाएगा वो पैसे। अरे जसमीत, इंसान ना ऐसी चीज है जो 10-10 रुपए के लिए गिर जाता है। बात यहाँ पे 2500 रुपए की हो रही है। चलो ये सब बात छोड़ो, मुझे ये बताओ वो बंदा रहता कहाँ है? अरे राजा, क्यों इतना सोच रहे हो, दे जाएगा वो पैसे। और वैसे भी तुम्हें तो पता ही है ना, वो सिक्योरिटी गार्ड कितने सालों से काम कर रहा है हमारे यहाँ पे, कितना पुराना सिक्योरिटी गार्ड है, और वो 1500 रुपए के पीछे यहाँ पे पैसे इधर उधर थोड़ी ना करेगा, अपनी जॉब थोड़ी ना गवाएगा। वैसे तो अभी इसका वर्किंग टाइम चल रहा है, आई थिंक वो नीचे ही होगा और उसका घर भी पास में ही है। तुम यार ऐसा करो, अभी उसका वर्किंग टाइम चल रहा है ना, तो नीचे चलो, उसके पास से जाके ना पैसे लेके आते हैं हम। चलो। ठीक है, चलो। अरे अच्छा हुआ मैडम आप यहीं मिल गए, वो आपने ना गलती से ना मुझे ज्यादा पैसे दे दिए थे। ये लो मैडम, पूरे 1500 रुपए जो कि आपने मुझे एक्स्ट्रा दे दिए थे। क्या, 1500 रुपए एक्स्ट्रा आ गए थे? हाँ जी मैडम। और हाँ मैडम, वो आपके 1000 रुपए थे ना, वो मैं आपको एक हफ्ते में लौटा दूंगा। ठीक है। ठीक है मैडम जी, चलता हूँ अब। अच्छा रुको, मुझे एक बात बताओ यार, जब तुम्हारे पास एक्स्ट्रा पैसे आ गए थे, तो वो पैसे तुमने अपने पास क्यों नहीं रखे? हाँ भैया, मैं ये पैसे रख भी सकता था और मुझे ज़रूरत भी है पैसों की, पर आप अगली बार किसी पे भरोसा ही नहीं कर पाते। और क्या हो गया अगर आपको नहीं पता लगता, भगवान तो सब देख रहा है ना, और आखिरकार में उसे ही जवाब देना है। और ये 1500 रुपये मेरी ईमानदारी के आगे कुछ नहीं है भैया, और भैया इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैं आपके पैसे लौटाने आ गया। तुम्हारी ये सोचना कुणाल मुझे बहुत अच्छी लगी, ऐसे ही लोग हमारी सोसाइटी में रहे ना तो हमारी सोसाइटी बिल्कुल सेफ रहेगा, और तुम्हारी ये ईमानदारी देख के ना मुझे बहुत अच्छा लगा। और ऐसी हाँ ईमानदारी से काम करते रहना, तुम बहुत सफलतापूर्वक आगे जाओगे। और तुम्हारी जगह कोई और इंसान होता ना, तो शायद ही वो पैसे ना अपने पास रख भी लेता, पर तुम ना एक भले इंसान लगे मुझे। अच्छा भैया मैं चलता हूँ, मुझे गाँव जाना है तो उसकी पैकिंग करनी है। ठीक है जाओ तुम। देखा राजा, मैं तुम्हें बोल रही थी ना, और तुम उस चौकीदार के ऊपर खामखा शक कर रहे थे, लौटा दिए ना उसने तुम्हारे पैसे, कितना ईमानदार था वो, नहीं लिए उसने पैसे, अब बोलो। हाँ तुमने सही कहा जसमीत, पर ऐसे ईमानदार लोग हमारी सोसाइटी में काम करेंगे ना, तो हमारी सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और यार मुझे तो ये लगता था कि जो इंसान पैसे ले लेता है ना, उसके बाद दोबारा पैसे देता नहीं है, क्योंकि मेरे कितने दोस्त यार हैं, उन्होंने भी मेरे से पैसे ले लिए, और बाद में जब मैं मांगने गया ना उनको, तो उन्होंने मना कर दिया, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, ऐसे टाल मटोल कर दिया। इसीलिए ना मेरा भरोसा उठ गया सबसे, समझे जसमीत, इसीलिए मैंने उसके ऊपर भी शक किया, पर देखो कितना ईमानदार निकला वो, तुमसे एक्स्ट्रा पैसे चले गए थे वो एक्स्ट्रा पैसे देने तक आ गया। और ऐसे लोग भी हैं हमारे देश में जो कई ईमानदार भी हैं, पर एक चीज़ है जसमीत, हमारे को ना किसी पे भी भरोसा जल्दी नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्या पता कब वो बंदा हमारे उस भरोसे को तोड़ दे या उस भरोसे से वो फ़ायदा उठा ले। और जसमीत अगर सिक्योरिटी गार्ड आगे तुम्हारे से कुछ भी हेल्प मांगने आए ना, तो बिना सोचे समझे उसकी मदद कर देना। और हाँ एक और बात यार, जो पैसे तुमने उसको दिए हैं ना, वो पैसे अगर वो रिटर्न करें तो वो पैसे रिटर्न मत लेना तुम, क्योंकि यार वो बहुत ईमानदार है। हाँ वैसे भी मैं उससे पैसे नहीं लेने वाली थी। हाँ चलो ठीक है।